तो हमारे ये पांचों प्रोडक्ट बिल्कुल मार्केट जैसे बने हुए हैं और बहुत ही महंगे प्राइस वाले जो मिलते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से बने हैं और लॉन्ग लास्टिंग बने हैं। ये देख लीजिए डेमो, मैं इसको धुल के दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी हटा नहीं है, टिका नहीं है, जैसा मैंने लगाया है वैसा ही बना हुआ है। एंड धुलने के बाद मैंने साबुन से भी इसको धुल के और रब किया हाथों को, एंड देख लो लिपस्टिक का निशान अभी तक है। इन सभी प्रोडक्ट्स को आप इजीली घर पे भी बना सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे बनाया मैंने इन्हें। तो मैंने जितने भी DIY प्रोडक्ट्स बनाए हैं उसमें मैंने ये यूज किया है ओलिविया पैन केक। थोड़ा सा ओलिविया पैन केक ही यूज करने से हमारे प्रोडक्ट लॉन्ग लास्टिंग वाटर प्रूफ बनेंगे। तो चलिए आइए देखिए कैसे मैंने यूज किया है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम कंसीलर के बारे में देखेंगे। कंसीलर को मैंने बनाने के लिए DIY कंसीलर, तो कंसीलर मार्केट में कई तरह के अवेलेबल हैं और कंसीलर हमारे डार्क सर्कल को हाइड करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं मैंने इसको कैसे बनाया है। और लेकिन उससे पहले आपको इस तरह से कुछ रखने के लिए कंटेनर लेना पड़ेगा। घर में काफ़ी सारे कंटेनर अवेलेबल होते हैं, चॉकलेट के डिब्बे भी होते हैं, एंड हमारा कोई प्रोडक्ट ख़त्म हो जाए उसका भी आप कंटेनर ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये कंटेनर लिया है। और तो यहाँ सबसे पहले मैं ये कंटेनर में पांच इस तरह के जो आपको आइकन दिख रहे हैं उन्हीं में बनाऊंगी, मैं घोल के दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने टेलकम पाउडर ले लिया है। टेलकम पाउडर सभी के घर में इजीली मिल जाएगा। तो इस तरह से मैंने निकाल लिया है थोड़ा सा टेलकम पाउडर। और अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ कोई भी कोल्ड क्रीम। तो ये मैंने लिया है, ये थोड़ा सा मॉइस्चराइजर टाइप का क्रीम है, इसको मैं इसमें ऐड कर लूँगी। आपके पास जो भी मॉइस्चराइजर या कोई क्रीम या एलोवेरा जेल जो भी हो आप इसमें ऐड कर लो। एंड उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट जो हमारे इस कंसीलर को लॉन्ग लास्टिंग बनाएगा ये है ओलिविया पैन केक। इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से घिस लूँगी, इस तरह से ब्रश के जो पीछे वाला हिस्सा है ना उससे घिस लिया है। और इस तरह से इसको मैं इसमें ऐड कर लूँगी, ये भी हल्का सा, बहुत ही हल्का सा करना है नहीं तो डार्क हो जाएगा, ये कंसीलर की जगह कॉन्टोर ना बन जाए, आपको इस बात का ध्यान रखना है। नहीं तो आप ना फेयर टोन वाला ये ओलिविया पैनकेक ले सकते हो, मेरे पास यही वाला था तो मैं इसी में दिखाऊँगी। तो ये बन चुका है हमारा कंसीलर, बिल्कुल मार्केट जैसा बना है, कोई डाउट नहीं है, नो डाउट। देखो आप, मैं इसका डेमो साथ में ही लगा लगा के दिखाने वाली हूँ जो भी प्रोडक्ट बना रही हूँ। तो इस तरह से फिंगर से ही आप देख लो कितना लग रहा है कि हाँ ये बिल्कुल ही लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। और इस तरह से देख लो, मैंने हैंड पे इस तरह से अप्लाई करा है, आप खुद ही देख लो बिल्कुल बाजार जैसा बना है। ओ माय गॉड, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आई है इसकी, बिल्कुल बाजार जैसा महंगा वाला कंसीलर जो आता है ना ये वो बना है। और मैं जितने भी प्रोडक्ट बनाकर दिखाऊंगी ये सब आप ब्राइडल में भी यूज कर सकते हैं। तो ये सब प्रोडक्ट मैं उनके लिए भी लाई हूँ जो लोग रोज़ाना महंगे प्रोडक्ट नहीं लगा सकते हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, या फिर जो ऑनलाइन नहीं मंगा पाते हैं या मार्केट नहीं जा पा रहे हैं। एंड यहाँ पे बारिश का टाइम भी चल रहा है तो हो सकता है किसी के पास जाने का ना टाइम हो। तो मैं जो सेकेंड प्रोडक्ट दिखाने वाली हूँ बनाकर वो है हमारा कॉन्टोर। कॉन्टोर बहुत से लोग पाउडरी लगाना पसंद करते हैं, बहुत से लोग क्रीमी भी लगाना पसंद करते हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग लास्टिंग मेकअप करना चाहते हैं तो क्रीमी ले लो, नहीं तो आप इस तरह से आई शेडो पैलेट में से इस तरह से ब्राउन शेड ले सकते हैं डार्क वाला, उससे भी कॉन्टोर कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह से अलग से भी कॉन्टोर पाउडर आते हैं। और ये जो कॉन्टोर पाउडर होते हैं ये भी बहुत अच्छे होते हैं बिगनर्स के लिए, लेकिन जो सीख चुके हैं उनके लिए क्रीमी वाला भी ठीक रहता है। तो आइए हम क्रीमी कॉन्टोर बनाना सीखें। उसके लिए मैंने सबसे पहले फिर से ये ओलिविया पैन केक ले लिया, उसको मैं फिर से इस तरह से घिस के थोड़ा सा निकाल लूँगी, बट हाँ थोड़ा ज़्यादा ही निकालूंगी, जितना हमने कंसीलर में ऐड किया था उससे दुगना मैंने निकाला है। और ऐड करने के बाद फिर से मैंने वो क्रीम मिला दिया जो मैंने अभी कंसीलर में मिलाया था। और इस तरह से बस इसमें दो ही प्रोडक्ट ऐड करने हैं और डन है आपका ये कॉन्टोर। और ये बन गया बिल्कुल मार्केट जैसा, आप देख लो हैंड पे लगाया मैंने, देख लीजिए बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं हो रहा है, बहुत ही अच्छा फिनिशिंग आया है, देख लो आप। तो मैं तो बहुत ही खुश हूँ मैंने जो बनाया है, मैं सिर्फ आपको डेमो दिखा रही हूँ। आप इस तरह से बना के अलग से एयर टाइट कंटेनर में या जिसका ढक्कन टाइट हो उसमें रख लीजिए बनाकर। ज़्यादा मैं हाल फिलहाल यूज के लिए बना रही हूँ कि तुरंत बनाओ और तुरंत लगाओ वाला, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ही बनाकर दिखा रही हूँ आपको। तो जो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है जो मैं दिखाऊंगी वो है फाउंडेशन। तो फाउंडेशन बहुत ही ज़रूरी है हमारे फेस
को पूरे को कवर करता है, तो हमें इस पर बहुत ही ध्यान देना है। इसमें हमें कुछ ज़्यादा प्रोडक्ट ऐड करने पड़ेंगे, 4 से 5 हो सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कैसे हमने इसको बनाया। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं लूज़ पाउडर। अगर आपके पास लूज़ पाउडर नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप टेलकम पाउडर भी यूज कर सकते हैं इसी की जगह। और उसमें आप ना ब्राउन शेड का जो आई शेड होता है वो ऐड कर लो बस कलर के लिए। ओलिविया पैनकेक घिस के डाल दिया थोड़ा सा। ओलिविया पैनकेक डालना बहुत ही ज़रूरी है, यही हमारे प्रोडक्ट को लॉन्ग लास्टिंग करेगा। और उसके बाद मैंने क्रीम ले लिया, तो ये हमारे 3 प्रोडक्ट हो गए हैं। बट अभी डन नहीं हुआ है हमारा फाउंडेशन, इन्हें हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो मैं ये पार्टी में लगाने वाला फाउंडेशन बना रही हूँ। आप चाहो मैं ले रही हूँ हाइलाइटर, इसको आप स्किप कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है डालो या ना डालो। बट मैंने थोड़ा सा ऐड कर लिया है साइन के लिए, अभी देखना बहुत ही अच्छा बनेगा ये। इस तरह से मैंने इसको भी ऐड कर लिया है, चौथा प्रोडक्ट है। और उसके बाद थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग और करना चाहते हैं तो आप ना इसमें मेकअप फिक्सर या फिनिशिंग स्प्रे डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एनवाई का फिनिशिंग स्प्रे डाल दिया थोड़ा सा। इसको डालने के बाद ये और भी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हमारा फाउंडेशन हो चुका है, बिल्कुल जैसे मैक का फाउंडेशन होता है ना, बिल्कुल वैसा ही लॉन्ग लास्टिंग बना है बहुत ही ज़्यादा। वो इस तरह से देख लीजिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है इसकी, और ये इस तरह से लगने के बाद दिखेगा और अच्छी कवरेज भी दे रहा है। देख लो आप, बिल्कुल महंगे फाउंडेशन को टक्कर देने वाला बना है ये। और इसको लगाने के बाद खुद ही फील करोगे कि हमें महंगे फाउंडेशन लेने की क्या ज़रूरत है जब हम घर में भी बना सकते हैं। तो और देख लो कितनी साइन कर रहा है, बहुत ही अच्छा बना है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी डाउट होगा, इस तरह से आप देख लो। ये वीडियो देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आप कोई महंगा फाउंडेशन खरीदने वाले हो। तो गाइस फाउंडेशन तो बन गया और लग भी गया, और उसके बाद हमें इसको सेट करने की ज़रूरत है। उसके लिए हम बनाने वाले हैं लूज़ पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर भी बना सकते हैं। तो जो लूज़ पाउडर है हमारे पूरे मेकअप को सेट करता है, फाउंडेशन को सेट करता है, एंड हमारे जो मेकअप लुक है उसको मैट भी दिखाने में हेल्प करता है और लॉन्ग लास्टिंग भी करता है। तो मैं आज एक ऐसा लूज़ पाउडर बनाऊंगी जो कि आप ना खाली लूज़ पाउडर ही यूज़ करेंगे तो इनफ है, हमारा मेकअप हो जाएगा कंप्लीट। बस आप थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगा लो एंड ये लूज़ पाउडर लगा लेना जो मैं अभी बनाऊंगी, और उसके बाद आप डन कर सकते हो मेकअप। तो ये देख लो आप, सबसे पहले मैंने ओलिविया पैनकेक को इस तरह से घिस लिया फिर से ब्रश की हेल्प से। कोई भी नुकीली चीज़ ले लो, इजीली ये इस तरह से निकल जाएगा। बट हमें हल्का नोक वाला ही लेना है जिससे कि ये छोटे छोटे बारीक बारीक पार्टिकल में निकले। तो और इस तरह से डालने के बाद हमने ले लिया टेलकम पाउडर थोड़ा सा ऐड करने के लिए, जिससे थोड़ा फेयर टोन हो जाए। और अगर आपको फेयर टोन नहीं है आपकी, तो डार्क स्किन है, तो आप ना खाली ओलिविया पैनकेक घिस के आप इसको डायरेक्ट फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। और नहीं तो अगर जैसे आपका कलर है ना वैसे ही आप इसमें आई शेडो में से भी थोड़ा सा कलर ऐड कर सकते हैं, जो नॉन सिमरी होते हैं ना वो वाला आई शेडो ले सकते हैं, उससे आप कलर बैलेंस कर सकते हो जो आपकी स्किन टाइप है। तो देख लो ये इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से बन गया, ओनली 2 प्रोडक्ट से बन गया ये हमारा लूज़ पाउडर। तो हमने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डाला है और बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग बना है ये। मार्केट में जो महंगे महंगे आते हैं लूज़ पाउडर 500 तक के, ये उन्हें टक्कर देने वाला ही बना है। आप देख लो पूरा का पूरा कवर कर दिया इसने हमारा फाउंडेशन, कंसीलर, कॉन्टोर, देख लीजिए ज़्यादा नहीं दिख रहा। तो भाई मार्केट में बहुत ही महंगी महंगी लिपस्टिकें आती हैं जिन्हें हम लेना तो दूर देखना तक पसंद नहीं करेंगे अगर वो बहुत महंगी हैं 1000 तक में, क्योंकि बहुत महंगे जो कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन वो चाहते हैं कि हम इस तरह से लगाएं पर वो महंगे की वजह से नहीं ले पाते हैं। तो मैं आज ऐसा DIY लेकर आई हूँ जो कि आपको लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक बनाने में हेल्प करेगा घर में ही, तो आप पैसे बचा सकते हैं घर में ही। आप बहुत ही महंगी वाली लिपस्टिक बना सकते हैं मैक को टक्कर देने वाली। तो आइए हम देख लेते हैं हमने ये लिपस्टिक कैसे बनाया है। बहुत ही सिंपल तरीके से ये लिपस्टिक बना सकते हैं, और जो भी प्रोडक्ट मैं बता रही हूँ सभी आपके पास ज़रूर अवेलेबल होंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ रही है हर्बल सिंदूर की, याद रखिएगा हर्बल सिंदूर ही लीजिएगा क्योंकि इसमें कड़वापन नहीं होता है। कोई ऐसी चीज़ लीजिएगा जो कड़वापन ना हो उसमें, और हर्बल है ये और बहुत ही इसमें पार्टिकल जो होते हैं बारीक होते हैं, इस वजह से हमने हर्बल लिया है और ये डाल दिया हमने। आप चाहो आई शेडो भी ले सकते हैं, जौन से कलर का बनाना चाहते हैं ना वो वाला, तो ये डाल दिया। और हमने एलोविया पैनकेक को घिस के डाल दिया इस तरह से,
जिससे कि हमारा लिपस्टिक लॉन्ग लास्टिंग बने। अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें वही क्रीम जो मैंने सभी प्रोडक्ट में यूज किया है, और हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसमें लास्ट में जो मैं ऐड करने वाली हूँ ये है बी वैक्स, और ये हर प्रोडक्ट में यूज होता है गाइस, जो भी मार्केट में मिलते हैं ना हमारे कॉस्मेटिक के, उसमें सभी में ये बी वैक्स जरूर यूज होता है जिससे ये लॉन्ग लास्टिंग बन सके। तो मैंने थोड़ा सा पिघाल के निकाल दिया एंड इसमें ऐड कर दिया और इस तरह से मिक्स कर लिया, तो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग बनी है, बिल्कुल मार्केट जैसी ही बनी है। तो ये न्यूड शेड बन के तैयार हो गया है हमारा, बट हमें न्यूड शेड नहीं चाहिए था तो हमें अभी इसमें और काम करना पड़ेगा, हमें चाहिए रेड हॉट कलर। पर क्योंकि मुझे अब रेड हॉट कलर बनाना है तो मैं फिर इसमें ऐड करने वाली हूँ हर्बल सिंदूर, थोड़ा ज़्यादा ऐड करूँगी। अगर ये ड्राई हो जाए तो कोई बात नहीं, आप इसमें थोड़ा सा बी वैक्स ऐड कर सकते हैं या फिर कोई भी सीरम ले लो, थोड़ा सा ऐड कर लो, बिल्कुल रेड हॉट बनेगी इस तरह की जैसे मैंने लगा रखी है। तो देख लीजिए ये है तैयार बिल्कुल बन के। तो अब मैंने इसको लगा के दिखाया है, ओ माय गॉड आप देख लो रेड हॉट कलर, बहुत ही अच्छा है रेड हॉट कलर बना है, ये वाला कलर बना है देख लो आप। तो मेरा ये जो कंटेनर है मैं इसको इस तरह से खुला तो छोड़ नहीं सकती हूँ, इसमें कोई ढक्कन तो लगा नहीं है, तो मैं इसके लिए क्या ले रही हूँ, ये है मेरा ज्वेलरी बॉक्स, मैं इसमें इसको रख लूँगी जिससे कि ये ड्राई ना हो जाए। और ये जो मैंने प्रोडक्ट बनाए हैं 2 से 3 बार यूज हो सकते हैं, इतना तो बना ही लिया है मैंने, क्योंकि लगता ही कितना है हमारे फेस पे, बहुत ही कम यूज होता है प्रोडक्ट। और ये जो प्रोडक्ट बना के अब हमने इसमें रख लिए, सेफ्टी बने रहेंगे जैसा हमने रखा है वैसे ही, जो भी प्रोडक्ट बनाए आप इस तरह से बंद करेंगे बंद करके रखेंगे तो वो ना जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, अगर वो ड्राई हो जाते हैं तो ख़राब हो जाते हैं। अब बारी है इसकी टेस्टिंग करने की, तो हम इसको टेस्ट कर लेते हैं, चलिए आइए। तो सबसे पहले मैंने ये बड़ा सा बॉल ले लिया और अब मैं अपने हैंड के ऊपर इस तरह से पानी कुर रही हूँ, डाल रही हूँ, और डालने के बाद आप देख लो खुद ही डेमो आपके सामने है, जो भी प्रोडक्ट था बिल्कुल अपनी जगह से हिल नहीं रहा है, बस लिपस्टिक का जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमने जो डाला था ना रेड कलर, वही आपको थोड़ा बहता हुआ नज़र आ रहा होगा, क्योंकि मैंने बी वैक्स बहुत कम डाला था ना इसलिए बह रहा है, बट आप बैलेंस करके डालेंगे ना तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन इसका जो कलर है ना बहुत देर तक रहा था, देखिए मैं साबुन से हाथ धुल के आ चुकी हूँ और इस तरह से मैंने पोंछ भी लिया है, देख लो आप बिल्कुल भी छूटा नहीं है लिपस्टिक का निशान, बहुत ही मैंने इसको रब किया तभी भी नहीं छूटा है, ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बन गई है। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही होगी आपके लिए, और आप एक्साइटेड होंगे इस तरह से प्रोडक्ट बनाने के लिए। और इस तरह से बनाने के बाद आप मुझे फीडबैक जरूर शेयर करना कैसा बना प्रोडक्ट एंड कैसा लगाने के बाद लगा आपको। तो वीडियो को जितना हो सके शेयर ज़रूर कर देना, शेयर करना ना भूले वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा फेसबुक इंस्टा व्हाट्सअप जहाँ भी आपका ग्रुप हो, एंड जिससे कि और लोग भी इस तरह से बनाना सीख सकें और पैसा बचाएं। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मैं जल्दी ही आऊँगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।